हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक मल्टीविटामिन और एमिनो एसिड ड्रॉप्स के बारे में जो पपीज़ के लिए है। ये बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोस पपीज़ के लिए रिसेंटली बनाया है, क्योंकि डिमांड था लोगों को कि नया पपी जब आप घर में लाते हैं तो उसको किस तरह से केयर दिया जाए, उसके बारे में। ये जो ड्रॉप है आप इसका इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आपका पपी एक स्टंटेड ग्रोथ है, उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम है, वो वीक है, उसका वेट ठीक तरह से गेन नहीं हो रहा है, तब आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस्तेमाल करने से आपकी पपी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा। इसमें DHA है, अमाइनो एसिड्स है और मल्टीविटामिन्स है। मल्टीविटामिन्स स्पेशली इसमें क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बायोटीन, ये सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अमाइनो एसिड्स है, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स है, जो ग्रोथ के लिए, बोन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट एंड देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स ये पर्टिकुलर जो कंपोजिशन है इसमें है। सो इसका इस्तेमाल आप अपनी पपी को डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने अपनी पपी के लिए इसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं इसका रिकमेंडेशन आपको कर रही हूँ। ये दिस इज़ एनरिच्ड विथ DHA, जो कि हेल्थ, बोन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने जब अपनी पपी को अडॉप्ट किया था तब वो अंडरवेट था, सिर्फ 900 ग्राम का था और 2 महीने का था, और बेसिकली मेरा पपी जो है इंडी ब्रीड का है, तो डेफिनेटली उसका जो थोड़ा सा बॉडी वेट 300 ग्राम जैसा कम था, तो उसको मैंने ये ZipVit देना शुरू कर दिया और विदिन 15 डेज उसका वेट नॉर्मल बन गया। तो इट्स अ वेरी गुड एंड हाईली रिकमेंडेड एक पपी हेल्थ बूस्टर है, जो कि ग्रोथ बूस्टर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका पपी अगर आपका पपी का एज स्मॉल ब्रीड का है तो इसको आप दे सकते हो 0.5 ml टू 0.75 ml डेली। और अगर वो लार्ज ब्रीड का है, चाहे वो इंडियन ब्रीड हो या तो फिर अलग लार्ज ब्रीड का हो, तो उसको दे सकते हो 0.75 ml टू 1 ml डेली। तो पपीज़ तो 6 to 10 वीक का अगर एज है आपके पपी का, तो 1 to 1.5 ml या फिर 2 ml उसको दे सकते हो। इवन आप इसका इस्तेमाल किटेंस में भी कर सकते हो, लाइक 0.25 ml अगर दे सकते हो दिन में। और पेट बर्ड्स के लिए, जो लव बर्ड वगैरह आप रखते हैं, तो टाइम टू टाइम उसको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लेबल में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो डोजेज़ वगैरह है, एज रेकमेंडेड डोजेज़ वगैरह इसमें दे के रखा हुआ है, और आप वेटनेरियन के साथ बात करके, अपने नियरेस्ट वेटनेरियन के साथ बात करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर जो विटामिन है, क्योंकि मेरे पपी का ग्रोथ इन्हेंस मैंने देखा है, तो ये 100% श्योर है, ये 100% इफ़ेक्टिव है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाने की हमेशा कोशिश में रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।